प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जापान के लिए रवाना होंगे और शाम को 4:30 बजे जापान के हिरोशिमा शहर पहुंच जाएंगे। वहां पीएम मोदी G7 समिट यानी कि दुनिया के 7 बड़े देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जापान में भारत की जयकार, पाकिस्तान में भयंकर हाहाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई शाम 4:30 बजे भारत के समय के हिसाब से हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। 19, 20, 21 मई 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिरोशिमा जाने का प्रोग्राम फिक्स हुआ है, तब से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। इस्लामाबाद से लाहौर की सिचुएशन देखकर पाकिस्तान की आवाम दुखी है और यह दुख हिरोशिमा की तस्वीरें देखकर और बढ़ गया है। हिरोशिमा में ही G7 की मीटिंग होगी जिसमें दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम G7 में शामिल होने की बात सपने में भी नहीं सोचते हैं। पाकिस्तान का पीएम चाहे शहबाज शरीफ रहे चाहे इमरान खान, उन्होंने कटोरे की रेंज से बाहर कभी कोई प्लानिंग नहीं की, इसलिए पाकिस्तान के लिए मोदी की G7 वाली खबर जले पर नमक मिर्च लगने के बराबर है। आज पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल है जिसमें एक लड़की कैमरे के सामने पाकिस्तानियों से सवाल पूछती है। सवाल ये पूछा गया कि पाकिस्तान किस मामले में इंडिया से आगे है और पाकिस्तानियों का जवाब सुनकर हिंदुस्तानियों को अपने देश पर गर्व होगा। पाकिस्तानियों को यकीन है कि उनके नेता मुल्क को और नीचे ले जाएंगे। जापान में जय हिंदुस्तान की तैयारी है तो पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तानी फौज आपस में भिड़ गए हैं। किसी भी वक्त फाइट का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। इसके बाद भी पाकिस्तानियों की चिंता का सब्जेक्ट हिंदुस्तान की बढ़ रही ग्लोबल पावर है। हिरोशिमा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।